हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे। ये हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का चार्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आपको याद हो तो। ये हमने डेटा स्ट्रक्चर का चार्ट देखा था प्रीवियस वीडियो में और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, कि यहाँ पर है एरे। तो इस चार्ट के अनुसार सर ने आपको बताया था एरे की डेफिनेशन क्या बनेगी। एरे इज़ सबसे पहले होमोजीनियस, यहाँ पर सर ने आपको बताया था होमोजीनियस, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे एरे की डेफिनेशन। तो एरे से आज शुरू करते हैं, ये हमारा नया टॉपिक है। एरे इज़ नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, स्टैटिक एंड होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। आप सभी को मालूम है कि इन एरे ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीजियस लोकेशंस ऑफ मेमोरी वन आफ्टर अनदर, यानी कि सभी एलिमेंट्स को एक के बाद एक सिक्वेंस में स्टोर किया जाता है वन आफ्टर अनदर। एरे इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड कलेक्शन यानी कि उसमें सिक्वेंस होता है, और होमोजीनियस का मतलब सर ने आपको बताया था जिसके अंदर एलिमेंट्स सेम टाइप के होते हैं। एरे इज फाइनाइट, अब हर एक वर्ड को यहाँ पर समझाया गया है, फाइनाइट, ऑर्डर्ड कलेक्शन एंड होमोजीनियस, इसकी डेफिनेशन आपको लिख देनी है शॉर्ट में। तो एरे इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। एरे इज़ ऑर्डर्ड यानी कि उसमें सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। कंटीजियस का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर एरे, तो उसके अंदर यदि पांच एलिमेंट्स हैं और पहला एलिमेंट ए ऑफ ज़ीरो पर है, ए ऑफ ज़ीरो वाला एलिमेंट सपोज 2000 पर है, तो ए ऑफ वन कहाँ होगा 2002 पर, ए ऑफ टू कहाँ होगा 2004 पर, ए ऑफ थ्री कहाँ होगा 2006 पर। इस तरह से सीक्वेंस में कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस में वो स्टोर किए जाते हैं। एरे इज़ होमोजीनियस क्योंकि सभी एलिमेंट्स एरे के सेम डेटा टाइप के होते हैं। आप एक एरे के अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स कभी नहीं देखेंगे। तो ये इस एरे की सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एरे की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि एरे के रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस। तो एरे का साइज़, उसका लेंथ या उसका डायमेंशन होता है। तो साइज़ क्या बताता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज़ कॉल्ड एज द साइज़ ऑफ द एरे, यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। दूसरा है टाइप, यानी कि एरे का कोई ना कोई टाइप ज़रूर होता है, यानी कि डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आप किस डेटा टाइप का एरे बना रहे हैं, तो वो कहलाता है टाइप। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेस, तीसरा है बेस। बेस का मतलब है कि आपका एरे कहाँ से शुरू होता है, यानी कि उसका फर्स्ट एड्रेस मेमोरी के अंदर कौन सा है। जैसे अगर यहाँ पर बताने जाएं एक एग्जांपल, तो ये हमारा एक एरे है ए ऑफ ज़ीरो से लेकर ए ऑफ सिक्स तक। तो इसमें पहला एड्रेस हमारा कौन सा है, 100। तो ये हुआ बेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेस की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बेस ऑफ एन एरे इज़ द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज स्टोर्ड। बेस एरे का क्या कहलाता है, जहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट स्टोर किया जाता है, उस एड्रेस को बेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स यानी कि सबस्क्रिप्ट। आप सभी को मालूम है जब भी हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं ए ऑफ सेवन, ए ऑफ ज़ीरो, ए ऑफ वन। तो ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ सबस्क्रिप्ट, जैसे कि ए ऑफ नीचे छोटा आई लिखा हुआ है, या फिर ए ऑफ आई। दिस इज नोन एज अ सबस्क्रिप्ट और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। एरे एलिमेंट को सबस्क्रिप्टेड या इंडेक्स्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लोअर बाउंड यानी कि स्टार्टिंग लोकेशन आपकी एरे की कौन सी है, जो जनरली क्या होती है, ज़ीरो। कोई भी एरे कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो, और वो ख़त्म कहाँ पर होता है, एन माइनस वन पर। व्हाट इज़ एन, एन यानी कि सपोज़ एरे का साइज़ है सेवन, तो सेवन माइनस वन क्या होता है, सिक्स। तो अगर ज़ीरो से शुरू होगा तो कहाँ पर कम्प्लीट होगा, सिक्स पर, तो उसे हम कहते हैं इट इज़ अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड ऑलवेज स्टार्ट्स विद ज़ीरो एंड अपर बाउंड ऑलवेज एंड्स एट यू माइनस वन या फिर n माइनस वन, इट इज़ द लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे। उसके बाद है रेंज या फिर बाउंड्री ऑफ द एरे। तो रेंज कहाँ से होती है, लोअर बाउंड ज़ीरो से लेकर अपर बाउंड u माइनस वन तक। तो ज़ीरो से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर
सिक्स तक हमारी इस पूरे एरे की रेंज है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंडेक्स, और यू कैन से बाउंड्री ऑफ द इंडेक्स. बाउंड्री यानी कि दायरा. उसके बाद है वर्ड. वर्ड यानी कि हमारे डेटा टाइप कौन सा है. इट इंडिकेट्स द साइज ऑफ द एलिमेंट. हर एक मेमोरी लोकेशन पर कंप्यूटर ने कितने एलिमेंट्स को स्टोर किया है उसे बोला जाएगा W. और वर्ड साइज कितना होता है, कैरेक्टर के लिए 1 byte, इंटीजर के लिए 2 bytes, फ्लोट के लिए 4 bytes, डबल के लिए 8 bytes और लॉन्ग डबल के लिए 10 bytes. तो ये 6-7 डेफिनेशंस आप लोगों को याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले है एरे का साइज़, जो हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि A of 7. उसका टाइप यानी कि उसकी डेटा टाइप. उसका बेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस, बेस यानी कि एड्रेस. इंडेक्स यानी कि किसी भी एलिमेंट को रेफ़र करने के लिए, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. लोअर बाउंड यानी कि ऑलवेज 0, जनरली 0 होता है. आप उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. अपर बाउंड यानी कि n-1 या फिर u-1, जो हमारी लास्ट लोकेशन होती है. रेंज ऑफ द इंडेक्स यानी कि उसके टोटल बाउंड्री, कितने एलिमेंट्स आते हैं लोअर बाउंड टू अपर बाउंड. एंड वर्ड यानी कि उसका साइज. तो ये 8 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है. इनमें से कुछ डेफिनेशन आपको अभी आगे जाकर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में काम आएगी. अभी एक सिंपल सा बेसिक समझ लेते हैं अबाउट 1-dimensional array. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे. 1-dimensional array, 2-dimensional array, multi-dimensional array. तो पहले 1-dimensional array के बारे में देखते हैं. आप सबको मालूम है अगर मैं ऐसा डिक्लेयर करता हूँ INT A of 50, तो इसमें क्या है, ए इज़ द नेम ऑफ द एरे. ए एरे का नाम है. INT क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डेटा टाइप यानी कि कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर किए जाएंगे. और 50 क्या रिप्रेजेंट करता है, कि उसके अंदर मैं मैक्सिमम 50 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ. तो इसकी टोटल रेंज कहाँ से होगी, 0 to 49. इट इज़ वैलिड, इट इज़ द वैलिड इंडेक्स. लेकिन अगर मैं बोलूँ A of 55, तो क्या A of 55 0 to 49 के बीच में आता है? नो. दैट इज़ वाई A of 55 इट्स नॉट अ वैलिड इंडेक्स. इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ वैलिड एलिमेंट ऑफ ए. तो एक एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं उसकी साइज़ के अनुसार उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं. तो एरे सिंपल डायमेंशनल एरे की सिंपल डेफिनेशन है, इफ़ ओनली 1 subscript इज़ रिक्वायर्ड टू रेफरेंस ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे. यानी कि ये अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट खाली एक ही लिखते हैं सिंगल, तो इसे किसे कहा जाता है, देन द एरे इज़ कॉल्ड एज 1-dimensional array. ए इज़ द नेम ऑफ द एरे. INT रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप, हमने कौन से डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर किए हैं, यानी कि इंटीजर नंबर्स. और 50 रिप्रेजेंट करता है कि हम उसके अंदर मैक्सिमम 50 वैल्यूज ही स्टोर कर पाएंगे. तो 0 to 49 इज़ वैलिड इंडेक्स एरे का. और A of 0 0 एलिमेंट को डिनोट करता है, A of 5 5th एलिमेंट को डिनोट करता है, एंड सो ऑन. और A of 55 इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स, इट इज़ बियॉन्ड द रेंज, इट इज़ आउटसाइड द रेंज, तो वो इनवैलिड कहलाता है. एरे की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, एरे की लेंथ होगी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, कि अगर मैंने डिक्लेयर किया है INT A of 50, तो इसका लोअर बाउंड क्या है, 0. याद कीजिए, यहाँ पर बताया था सर ने आपको, लोअर बाउंड इज़ ऑलवेज 0. और इसका अपर बाउंड क्या होगा, u-1, यानी कि 50-1 मतलब क्या, 49. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेगा, UB is 49 minus 0, दैट इज़ 49 प्लस 1, दैट इज़ 50. यानी कि एरे की टोटल लेंथ कितनी है, 50. इसके अंदर 50 एलिमेंट्स आ सकते हैं. उसके बाद है मेमोरी एलोकेशन, यानी कि एड्रेस कैलकुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. एड्रेस कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, पहले मेमोरी एलोकेशन का देख लेते हैं. ये इतना पार्ट केवल मेमोरी एलोकेशन का है. कंप्यूटर मेमोरी लीनियर होती है, आप सबको मालूम है कि उसके अंदर एड्रेसेस होते हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. और हर एक सेल की कितनी स्पेस होती है, 1 byte. यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 100 के बाद 102 दिख रहा है. क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल को स्टोर किया है. अगर 1-dimensional array को सिंपल मेमोरी पर मैप किया जा सके, यानी कि आपने ये सिंपल एरे उठाकर एज इट इज़ मेमोरी के ऊपर रख दिया, मैपिंग कर दिया, यानी कि रख दिया इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, देन इट इज़ अ 1-dimensional array. क्योंकि एलिमेंट्स को एरे के अंदर कंटीजियस लोकेशंस ऑफ मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, तो हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, A of i+1 हमेशा A of i के बाद आएगा. आई एम रिपीटिंग, A of i+1 विल बी आफ्टर A of i. मतलब आप कोई भी i ले लो, जैसे कि i = 2,
तो आई इक्वल टू टू के बाद क्या आएगा, आई इक्वल टू थ्री, यानी कि आई प्लस वन यानी कि टू प्लस वन दैट इज थ्री किसके बाद आया, टू के बाद, और उसमें आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन। तो एक एरे डिक्लेयर किया ए ऑफ सेवन, जिसके अंदर हमारी लोकेशंस कहाँ से कहाँ तक आएंगी, ए ऑफ ज़ीरो से लेकर ए ऑफ सिक्स तक, जिसके अंदर टोटल हमारे सेवन एलिमेंट्स आएंगे। पहला एलिमेंट यदि 100 पर होगा तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, 112 पर, क्योंकि हर एक एलिमेंट का हमने डेटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर, तो हर एक एलिमेंट को कितनी स्पेस चाहिए, 2-2 बाइट्स। तो दिस इज लोकेशन, दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज एड्रेस। वी विल सी द एड्रेस कैलकुलेशन फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ 1D एरे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए केवल इतना, जिसमें आपको मेमोरी एलोकेशन और एरे की डेफिनेशन और एरे की रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, एरे टर्मिनोलॉजीज।